Hello and welcome back, viewers. You are watching The Space. Today we will be taking the public opinions from various places of Itanagar on a very relevant and interesting topic, that is mode of examination, which includes both online and offline mode and its consequences as well. You see, there has been a lot of protests which took place in few of the states, including our state, where the polytechnic student did protest on 9th of December 2021, and also the Dimapur Naga Students Union did protest on 21st December 2021. You know, in going of all of these protests, a very interesting thing occurred on August 3, 2021, where the HDFC Bank released an aid which stated that a student graduated in 2021 will not be eligible to apply for that particular job. So yeah, now let's go and take the public opinions. Let's go. आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोमो एबोल है और मैं CA इंटर स्टूडेंट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट लेवल, और मैं गुवाहाटी में पढ़ाई करता हूँ अभी. तो फिर ये देखिए, बहुत सारा अभी बच्चा लोग ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन दिया है, तो मोस्ट ऑफ देम पास भी हो जाएगा. तो आपको क्या लगता है, उन लोग का प्रमोशन टू नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट सेमेस्टर, ये उन लोग सच्ची में जेन्युइनली डिजर्विंग है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं? देखिए, मेरा मानना तो वही है, सभी स्टूडेंट के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दो या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम दो, आप कुछ भी मोड से एग्ज़ाम दो, बस आप पढ़ाई कीजिए. ऐसे मत सोचिए कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेगा, ऐसा नहीं होता है. एग्जामिनेशंस ये आपके लिए है, आपका वो आपको मतलब टेस्ट कर रहे हैं ना, आप कितना कैपेबल है आप आगे लेवल, एक और लेवल जाने के लिए. तो मेरा मैसेज तो यही है कि आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप मतलब पढ़ाई कीजिए, कुछ भी मोड से एग्ज़ाम दो. और सिंस ये तो ऑनलाइन क्लासेस चला है, तो स्टूडेंट लोग भी मांग किया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना चाहिए. तो आई थिंक फ़िलहाल के लिए तो आप लोग उसको प्रमोट कर देना चाहिए, बट देन स्टूडेंट लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, वही है मेरा मैसेज. माय नेम इज़ तमर बादी. ओके, सो आर यू ए स्टूडेंट? Yeah, currently I'm pursuing my Master of Philosophy in the Department of Anthropology in Rajiv Gandhi University. Okay. Well, looking at the situation, I think everyone deserves a chance, and I think considering the fact that classes are being organized by online, I think they deserve a chance to get promoted and to do much better in life. I think we need to see the positive sides in every aspect. Hello, this is Dr. Navang Norton. I don't think कि promotion करना चाहिए सभी बच्चे को, क्योंकि online classes में तो जो examination होता है उसको तो आप सभी लोग मालूम है, सभी लोग cheating करके आसपास पूछ के Google वगैरह देख के फिर online classes exams देते हैं. तो उसमें जो वाकई में जो deserving जो candidate है उन लोग तो पीछे ही रह जाएगा. तो मेरे तरफ से तो मैं ये बोलूँगी कि हर बच्चों को नहीं promote करना चाहिए. मतलब बोल दे, मतलब ये अगर हम लोग का जो सिलेबस को अगर सर जो ठीक ठाक सही टाइम पर ये कम्प्लीट कर दिया, मतलब ऑनलाइन मोड भी नहीं होना था. और ऑनलाइन मोड क्यों है? और सर को जो हम लोग जो मतलब बोला है कि मतलब अगर आप ये ऑनलाइन ये एग्ज़ाम को अगर आप पोस्टपोन कर दो, नहीं तो भी आप सिलेबस को तो कर दो. और सर अगर उसको मानते हैं तो अगर हम लोग ऑनलाइन भी नहीं करना था, सर उसको नहीं मानने के कारण, इसलिए हम लोग जो आई मीन आरजू जो नहीं मानने का, इसलिए हम लोग ऑनलाइन का ये डिसीजन लिए. तो भी है मतलब, तो अगर ऐसे सिचुएशन है तो ऑनलाइन ठीक है, सही है. मेरा क्या डिजर्विंग नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन में तो पढ़ने से कुछ मालूम होता ही नहीं ना, कुछ भी आता पता होता ही नहीं. मतलब जैसे कि प्रैक्टिकली डायरेक्ट क्लास में बैठ के करने, एग्ज़ाम देने से या क्लास में जाके बैठने से अच्छा होता है ना. और ऑनलाइन में करने से तो मतलब मोबाइल से देखिएगा, नेट से देखिएगा, और बाद में जा फ्यूचर में जाने से तो वापस ऐसे हो जाएगा कि ऑनलाइन मोबाइल में ज़्यादातर देखने से, प्रैक्टिकल से कराने से मालूम नहीं हो जाएगा ना बच्चा लोग जो, ऐसे होगा मेरा ख्याल से. इसलिए प्रैक्टिकली अच्छा होता है, अपना को जब तक अपना को ट्राई नहीं करेगा, क्लास में नहीं बैठेगा ना, अपना को जब तक बिना देखे एग्ज़ाम नहीं लिखेगा, इसे ऑनलाइन मोबाइल से देखेगा, दोस्तों से देखेगा, तो अच्छा नहीं होगा मेरा ख्याल से. माई सेल्फ कृतिका क्रोंग इन क्लास 12. इन माई ओपिनियन those who appear in online online exams, I don't think कि वो लोग इतना deserve करते हैं, क्योंकि
जो जो लोग कोई कोई लोग अनफेयर मीन्स भी कर रहा होगा ना, उसका तो पता नहीं है। फिर जो जो लोग अच्छा से मतलब जो खुद से जो अपेयर करके जो जितना आगे चला गया, जितना लोग दे चुके, तो वो लोग के लिए तो ये अनफेयर हो गया कि अभी जो लोग ऑनलाइन का मोड का थ्रू से दे रहे हैं ना, वो लोग तो अनफेयर मीन्स कर रहा होगा कोई कोई लोग, ऑल नहीं पर कोई कोई लोग कर रहा होगा, तो हमको लगता है कि थोड़ा अनफेयर है। बेसिकली आपका ये ऑनलाइन मोड में तो अभी डिजर्विंग का बात बोलने से तो आपका ये एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट होता है और उस पर जो भी मतलब आपका पेपर चेकिंग करने का जो आपका रिजल्ट निकलेगा, जो चेकर्स लोग मार्क्स देगा, वही डिसाइड करेगा आपका एलिजिबिलिटी को, आप आगे प्रोसेस करना है कि नहीं, मतलब आगे क्लासेस के लिए जाना है कि नहीं। और उसके बाद बाकी बात बोलने से जैसे कि एजुकेशन का एग्ज़ाम का बेसिकली पर्पज़ को, बेसिकली एग्ज़ाम का पर्पज़ तो आपका कुछ नहीं होता है, ये आपका अब ये जो साल में आप जो पढ़ा है ना उसको आप अच्छा से आपका मतलब नहीं कि आप समझा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए होता है, क्रॉस चेक करने के लिए होता है। और ये चीज़ जो ऑनलाइन मोड में बेसिकली थोड़ा बहुत पॉसिबल नहीं है। और हम भी एज बिंग स्टूडेंट और हम भी रिसेंटली दिया है एग्ज़ाम ऑनलाइन पे, ऑनलाइन पेपर ही दिया है। तो अभी क्या होता है कि बेसिकली हम लोग का यहाँ में अरुणाचल में अभी दूसरा का तो पता नहीं ऑनलाइन मोड को, लेकिन हम लोग का यहाँ पे तो ओपन बुक एग्ज़ाम जैसा हो जाता है। तो आप क्या होगा कि अभी ओपन बुक एग्ज़ाम में तो आप किताब खोल के अगर चाहे आपको नॉलेज ही ना हो वो चीज़ का, आप लिख देगा जहाँ था मतलब, और क्वेश्चन को देख के अभी इतना तक तो हायर स्टडीज़ करने के बाद तो समझ में आ जाते कि आपको क्या क्वेश्चन का क्या आंसर आपको कहाँ से ढूंढ के निकालना है। तो वही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। माई सेल्फ या यंग फोर स्टैंडर्ड 12, इन माई ओपिनियन इट्स कि इंसान ऑनलाइन एग्जामिनर्स लोग डिजर्व करते कि नहीं, इट डिपेंड्स कि इंसान लोग के ऊपर कौन डिजर्विंग है कौन नहीं, कौन कैसे लेगा उसके ऊपर ही डिपेंड करते। तो जो जो अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहा है आई डोंट थिंक दैट डिजर्व, और जो जो हार्डवर्क कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि जो जो अनफेयर मीन्स यूज़ करेगा और हार्डवर्क जो करेगा वो लोग के लिए तो डायरेक्ट अलग अलग से ही हो जाएगा, वो लोग के लिए इतना ईजी हो जाएगा। जो भी अनफेयर मीन्स लोग के लिए अच्छा है क्योंकि वो लोग इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, और बाकी जो अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहे वो लोग तो ऐसे पास हो जाएगा। और फिर बड़ा होके भी वो लोग कुछ तो माता में होगा नहीं, ऐसे एजुकेशन लेके कुछ तो लास्ट में अनफेयर मीन यूज़ करके पास करे। सो आई डोंट थिंक दे डिजर्व तो मतलब नहीं है, क्योंकि बोलने से ऑनलाइन से एग्जाम देने से मतलब इतना नॉलेज नहीं होता है ना, और बेसिक भी इतना मतलब नहीं हो देगा, इसलिए ऑनलाइन ये एग्ज़ाम देने से मतलब बहुत प्रॉब्लम भी, मतलब फ्यूचर के लिए भी बहुत दिक्कत होगा ना, मतलब डिपेंडिंग होते तो ऑनलाइन से, इसलिए ऑनलाइन देने वाला मतलब प्रॉब्लम होगा। इस मेरा ख्याल से तो ऑनलाइन में ये बच्चा लोग डिजर्व नहीं करता है, और क्योंकि बोलने से ऑनलाइन में देने से हम लोग रूम में बैठ करके क्या करते हैं ना, बच्चा लोग बैठ करके रूम में जो गूगल से पूरा नोट्स ले लेते हैं, तो उसमें बच्चा का क्या नहीं आता, नॉलेज नहीं बढ़ता है। तो जब हम लोग कॉलेज में मान लो कि कॉलेज में रूम में एग्ज़ाम देता है, तो तब अपना दिमाग से लिखते हैं ना, जो सोच कर लिखते हैं, तब उसमें मतलब कुछ नॉलेज आ जाता है बच्चों लोग को। तो रूम में बैठने से तो ऑनलाइन का बारे में बोलने से ऑनलाइन मेरा लिए वो डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो कभी कहाँ नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। एग्जाम अच्छा से मेंटली अपना प्रिपेयर करके देने से तभी अच्छा होता है ना, दे रहे जैसे एग्जाम, तो मेंटली कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, बच्चा ढंग से नहीं पढ़ रहा है, ऑनलाइन बोल के बच्चा का पढ़ाई लग भी पूरा बिगड़ गया, तो कुछ भी डिजर्विंग नहीं लगता मेरा लिए। तो बच्चा एग्जाम दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्या कर रहे नहीं कर रहे, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट एंड कंट्री एज अ होल, व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर विल बी, ब्राइट और डार्क और लाइक एनीथिंग, व्हाट डू यू थिंक? I think looking at the present scenario as well, I think it's quite gloomy, and I believe it's going to be gloomy. I don't think so it's going to take a brighter way in like every terms, be it economy or like be it political or be it in like education sector. Mm-hmm. I don't think so it's going to be a brighter side. I think government and the people should come together and you know work for the welfare of the society and the country as well. Actually, yeah. कोविड तो सब स्टूडेंट का लाइफ का मतलब एकेडमिक लाइफ को थोड़ा सा पीछे कर दिया, ये तो प्रैक्टिकली हम लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि सब लोग मोबाइल लेता है, फ़ोन वगैरह लेता है, लैपटॉप वगैरह लेता है फॉर क्लासेस ना, पर वो लोग क्या होता है उसको सोशल मीडिया में उल्टा कन्वर्ट करके अपना समय को वेस्ट कर दिया, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, जो अभी का यंग जनरेशन लोग प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं होने की वजह से वो लोग टाइम को उल्टा मिसयूज़ कर रहे हैं फ़ोन आने की वजह से। सो आई थिंक ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा हम लोग का स्टूडेंट के लिए, एकेडमिक लाइफ के लिए। ये ऑनलाइन प्रोसेस को तो हाँ, बाद में ये एक फ्यूचर है, बाद में सब कुछ तो ऑनलाइन होने वाला ही है।
लेकिन ये कि हम लोग अभी प्रिपेयर नहीं है इसके लिए। और हाँ ठीक है, ये पेंडेमिक हम लोग को सिखा दिया थोड़ा सा कम से कम कि ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होते हैं ना, सब लोग को कुछ तो आइडिया एक ब्रीफ मिल गया। ये पेंडेमिक सिखा दिया ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करना है, हम एजुकेशन सिस्टम का मतलब एजुकेशन का पर्पस को हम बोल रहे हैं। अभी हम लोग स्कूल गए, ये बस 5 मंथ्स ही बैठे, 5 मंथ्स ही ऑफलाइन किए, तो आई डोंट थिंक इतना ब्राइट है फ्यूचर स्टूडेंट्स के ऊपर। वो लोग हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर तुम लोग, क्योंकि लास्ट में तो ये सब तो वर्ल्ड के लिए नहीं है, खुद के लिए हम लोग कर रहे हैं, खुद के लिए जीने के लिए कर रहे हैं, तो फ्यूचर से इतना ब्राइट नहीं दिख रहे। इट्स वेरी बैड, आई फील वेरी सैड फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो एंड ऑफकोर्स फॉर द कंट्री ऑल्सो। स्टूडेंट्स को जैसे एक्सपोजर मिलना चाहिए स्कूल में या कॉलेज में मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है ना, तो डेफिनेटली इट्स रियली सैड फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो एंड फॉर द कंट्री इटसेल्फ एंड फॉर द स्टेट ऑल्सो। इससे होने से तो ऑनलाइन ही एग्जाम पर चलते रहने से तो ऐसे बाद में तो इतना स्टेट या हम लोग का कंट्री तो इतना डेवलपमेंट तो नहीं आएगा। आने से भी वो लोग का ऐसे हो गए थे कि वो लोग का डेवलपमेंट जो मतलब इतना ऐसे नहीं है, परमानेंट वाला नहीं होगा, अलग किस्म का ही होगा, ऐसे ही होगा इतना। वो लोग तो अपना प्रैक्टिकल से अभी सीख सीख के नहीं जा रहे, तो फिर तो डर्क होगा मतलब ऑनलाइन देते रहने से ना, मतलब फ्यूचर कुछ भी प्लानिंग भी नहीं हो पाएगा, एक डिपेंडिंग हो जाएगा तो ऑनलाइन में, इसलिए ऑनलाइन नहीं करने से। इन योर गेस व्हाट डू यू थिंक द रेशियो बिटवीन द students who give offline and online, what do you think, what will be the ratio? 80 online and 20 will be offline, what I guess is. हमको तो ऐसा लगता है कि I think 100% तो online ही दिया होगा। As far as my knowledge, as far as I know, I think there are very few colleges who has conducted offline exams. Or going to conduct offline exams in the coming days. Like as I know, for example, CHF and Pasighat, they are giving offline exams, and then they also have given offline exams during the pandemic as well. So I think ratio is going to be like 1:100, I would say. Okay. Yeah, because they are very less. Yeah. So I think most of them are giving online exams, and I've given online exams. And by looking at the fact and the truth also, you know, people and the students have come up to the RGU itself by marching for conducting this online exam. So it's going to be very less. Okay. So viewers, here we come at the end of this today's Vox Pop on the topic mode of examination and its consequences. We have received lots of different and diverse opinions on this topic, where you know most of the students say that the online mode of examination is not that good for our personal development and for the future of our state as well. And but you know, on the other hand, there are also other opinions where you know they say that you know the students are still eligible and deserving to be promoted to the next class or you know semester. So yeah. This is Tagetunia signing off, and keep following the space.